हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और ये दो आंटी आई थी, दोनों की एज मतलब 60 से ऊपर होगी। इनकी पोती जो है उनकी शादी है, और ये मेरी मम्मी को पढ़ाती थी किसी ज़माने में, मतलब ये टीचर रही हुई हैं अपने ज़माने में, और ये रिटायर हो गई हैं अभी। तो ये कार्ड देने के लिए आए थे, इनकी पोती की शादी है। तो मम्मी अभी थोड़ी देर बाद में इनके उधर गीत वगैरह होंगे तो उधर जाएगी। जो मेरी मम्मी का गांव है उधर, मतलब सरकारी स्कूल में जब मम्मी पढ़ने जाती थी तभी ये आंटी पढ़ाने के लिए आती थी इनको, मम्मी को और मेरी जो बड़ी माँ है, मेरी मम्मी की बड़ी बहन, उनको। तो मम्मी को ये याद है, और ये जो आंटी आई थी इनको याद नहीं है कि मैंने इनको पढ़ाया होगा कभी। और ये आप देख सकते हो, इनका नाम है श्रीमती नारायणी देवी, और आरजू इनकी लड़की का नाम है, और ये किसी रविंदर नाम के लड़के से शादी कर रहे हैं। और इसमें भी लिख रखा है कि ये मुख्य अध्यापिका हैं जो रिटायर हो चुकी हैं। तो मम्मी को पहले से ही शक्ल देख के याद आ गया था, और मैंने जब ये पढ़ा तो मेरे को वैसे समझ में आ गया कि ये टीचर ही रही हुई हैं और जो अब रिटायर हो चुकी हैं। तो ये 12 दिसंबर की शादी है दोस्तों, संडे के दिन शादी होगी। तो हो सकता है हम जाएं शादी के अंदर भी। और ये भाई का नाम लिख दिया इन्होंने, जैसी इनकी राइटिंग है उस हिसाब से, क्योंकि अभी एज भी होगी है इनकी, तो ऐसा ही लिखा जाता है। तो परिवार सहित लिख रखा है दोस्तों, तो परिवार में मैं भी आता हूँ, तो मैं चला जाऊँगा मम्मी को साथ लेकर। Out of your mouth, you wish you someone else. I miss you, but I know you miss your old self too. Silver once golden, there's only so much holding on. You can take when your mind's at stake. Oh wait, do what you gotta do, what you gotta do. तो ये अलमारी जो है दोस्तों, ये काफी गंदी हो रखी है। बिगड़ी बिगड़ी है, कपड़े मिलते नहीं हैं। तो मम्मी आज ये जचाने वाली है। बहने जताती थी, मम्मी बहुत कम जताती है। वे जचाया करती ना जब तक तो मिला ही ना करती, छोटी वाली बहन है ना, वह जचाया करती ना। हम कई कपड़ा ऐसा भी है जो गंदे न का ही। वो निकाल देना ही है।
अगर आपने गोलमाल मूवी देखी है तो मिथुन ऐसा पजामा पहनता है उसमें, ये फोल्ड कर दिए हैं, ये मम्मी का डिपार्टमेंट है नीचे वाला, हम दोनों की एक ही अलमारी है दोस्तों, मेरी और मम्मी की। तो मम्मी वाले ज़्यादा बिखरे हुए हैं मेरे से, तो मम्मी अभी सेट करेगी इनको। और आप देख सकते हो मेरे तो लगा दिए मम्मी ने फोल्ड करके, अभी ये खुद के ये कपड़े बचे हैं बाकी, ये भी कर देगी अभी। मेरी बहन होती है तो वो करती रहती, वो आएगी ना तो वो फिर जाते हैं इनको देख के, कुछ पसंद ही नहीं सर। तो हम दोनों की हाजिरी में जचा है सब कुछ। ये कपड़े हैं, ये कोई पहनता तो है नहीं, ये बेड में रख देंगे हम। तो दोस्तों हमने ये रिजेक्ट कर दिए सारे, ये नहीं पहने जाएंगे अभी, इनको बांधने वाले हैं हम। ये फालतू में अलमारी का जो सामान है वो बढ़ा रहे थे, ये हमने है ना तकत बाहर डाल दिया ना, उसके बाद से देखो ये खाली खाली लग रहा होगा आपको, जो कि एक अच्छी बात है। तो दोस्तों मेरी मम्मी जो है वो ये कपड़े देख के इमोशनल हो गई, क्योंकि ये कपड़े लक्ष्मी नारायण भगवान जो हैं उनके हैं। और पहले हमारे पास में दो मूर्तियां थी पीतल की, तो वो किसी आंटी ने मम्मी को दी थी एक बार कि आप ये इनकी सेवा कर सकते हो तो आप रख लो, मम्मी को बोल के। तो मम्मी ने वो रख ली थी और कम से कम 5-6 साल हो गए थे वो रखते हुए, और मम्मी रोज़ उनको नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी। और ये जितने भी कपड़े हैं ये मेरी मम्मी ने खुद से सील रखे हैं, जिसमें भगवान के भी हैं और माता के भी हैं। तो ये कपड़े मम्मी के नज़रों में आ गए, तो मम्मी इनको देख के थोड़ी सी इमोशनल हो गई। और ऐसे ऐसे कपड़े काफ़ी बीकानेर में भी रखे हैं और गाँव में भी रखे हैं, जो मम्मी का गाँव है उधर। तो वो जो मूर्तियाँ थी हमारे पास में वो मतलब हमारी खुद के पैसे की नहीं खरीदी हुई थी, जिनके पैसे की खरीदी हुई थी उन्होंने बाद में मांग ली हमसे। तो हमारे मन में नहीं था कि हम उनको दें वापस, और हमने काफ़ी चाहा कि हम ना दें उनको, मगर वो मानी नहीं। वो आंटी जो थी वो उनको बस वो एक वो थी कि बस मेरे को चाहिए चाहिए, तो इस वजह से हमने दे दी। नहीं तो अगर कोई 5-6 साल तक किसी भगवान की ऐसे पूजा कर ले अपने घर में रख के, तो मेरे हिसाब से कोई नहीं देता, तो हम भी नहीं देना चाहते थे। मगर क्या कर सकते हैं, जब उन्होंने मांग ली, वैसे हम पैसे देने के लिए रेडी थे कि जितने की वो मूर्तियाँ थी उतने के हम पैसे दे देते हैं उनको, मगर उन्होंने वो पैसे भी नहीं चाहे हमसे, तो हमने वो रिटर्न कर दी। तो दोस्तों ये ऐसी मूर्तियाँ जो हैं ये वृंदावन में मिलती है मेरे हिसाब से,
और मैंने काफ़ी गूगल वगैरह करके देख चुका हूँ मैं अभी तक, कम से कम 30-40 बार कर चुका हूँगा कि वैसी मूर्ति किसी वेबसाइट पे अपलोड हुई हो तो मैं ख़रीद लूँ, तो वैसा कुछ है नहीं। तो एक बार मम्मी को उधर वृंदावन ही लेके जाना पड़ेगा, और वैसे की वैसी मूर्तियाँ मम्मी को दिलानी पड़ेंगी क्योंकि मम्मी कुछ ज़्यादा अटैच्ड है उनसे। तो इस वजह से मैं आपको ये सब बातें बता रहा था क्योंकि मम्मी इमोशनल हो गई थी, और अभी ये बच्चा हो जाता है जैसे भी, तो उसके बाद में मैं और मम्मी घूमने के लिए जाएंगे कहीं पे, और हो सकता है हम वृंदावन जाएं पहले, फिर मैं अयोध्या भी लेके जाऊंगा मम्मी को, और काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ले जाना ज़रूरी है, चाहे वो अजमेर में पुष्कर जी जाना हो या फिर कोई और दूसरी जगह है। मैं मम्मी को घुमाना चाहता हूँ, मेरे मन में भी है और मम्मी भी घूमना चाहती है, तो वैसे हम ब्लॉग्स बनाने वाले हैं जो ट्रैवलिंग को लेकर होंगे, तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।